जी नाजी, वेलकम बैक इन चाय टाइम। बात हो रही है खौफ की, और आप ये मत समझें कि मैं सीरियस नहीं ले रही इस बात को, ये बहुत सीरियस बात है। शनाज साहब, आपने हमें कॉल की थी, छुपकली क्या बात करी थी, छिपकली क्या बात करी थी। ये जब काउंसलिंग करते हैं ना, ये जब उनके पास कोई जाता है तो ये प्रॉपर क्या कहते हैं जार्स में छुपकलियाँ बंद करके उनको देते हैं और उनको पकड़ाते हैं, और तीन चार कुछ नहीं होता, तीन चार महीने में लोग फिर इससे जो है वो निकल जाते हैं। होता ये है कि जब भी कोई कीड़े मकोड़ों का डर है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले तो हम उसकी अब ट्रीटमेंट का तरीका जल्दी से बताऊं कि तस्वीर उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बारे में रिसर्च बताते हैं कि इससे कौन मर सकता है, कौन नहीं मर सकता है, इसमें कौन से ऐसे खतरनाक चीज़ें हैं या नहीं, क्योंकि लोगों के मिथ्स बहुत है ना, मिथ्स पता नहीं। अब ऐसी ऐसी बात है, जहर अगर फैल गया तो बंदा मर जाता है। मतलब मैंने तो आज तक भी देखा कि छिपकली से मरा हो, हालांकि घर में छिपकली कॉकरोचेस खाती है। छिपकली, लेकिन छिपकली की अगर आप डिफरेंट फायदे हैं घर में होने के, हाँ फायदे हैं वैसे इसके, लेकिन स्पीशीज अगर जो है इसकी अलग अलग हैं और इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन पे हम बात करने वाले हैं। ज़ाला ने एक बात बोली थी है कि जब आप इश्क को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं ना, इश्क पे भी बात करेंगे, लेकिन डिप्रेशन जनरली, लेट्स टच ऑन द टॉपिक एज वेल। डिप्रेशन के हवाले से जो फोबिया की वजह से अलामत हैं वो क्या है, कितना नुकसानदेह होता है डिप्रेशन, और लोग इसे क्यों नहीं भाई अगेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देखो, डिप्रेशन तो बहुत बड़ा एक ऐसा कॉर्नर है जिसपे हम 10 घंटे भी बैठ के बात करें ना तो कम है, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के कॉजेज जो है ना वो कोई 5,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। कि मतलब डिप्रेशन तो एक इवेंचुअली एक चीज़ है ना कि हमें डिप्रेशन हो गया। यस, डेफिनेटली क्योरेबल भी, और उसको फिर हम मेंटेन भी कर सकते हैं कि हम सो देखिए, डिप्रेशन आने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि या आया कि डिप्रेशन ड्रग्स लेके हो गया, या वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स लेके हो गया, या तो फिर कोई घर पे किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट या कोई फाइनेंशियली कंडीशन खराब है। अच्छा, कुछ डिप्रेशन बेमायने, मतलब बेमायने नहीं होता, लेकिन नहीं फजूल में नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों को होता है वो। जैसे एक बुक है बहुत फेमस, पाउलो कोएलो की, यस, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, व्हिच इज अ क्लासिक केस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी जिंदगी में सब कुछ है माशाल्लाह, ब्लेस्ड है, मगर डिप्रेशन है, वो सैटिस्फाइड और उनको खुद नहीं पता क्यों है। सैटिस्फाइड ना होना ये भी एक वजह होती है। स्पिरिचुअलिटी की कमी भी है ना, बहुत जरूरी है। अगर हम मुसलमान देखें तो स्पिरिचुअलिटी का भी एक जो बॉन्ड विद द गॉड, ब्रेन जो है ना, ब्रेन में सब कुछ है। वो कहते हैं ब्रेन के लिए एक बात कहते हैं, यूज इट और लूज इट। जिस ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करोगे वो लूज होना शुरू हो जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल सेंटर हो, इमोशन सेंटर हो, कॉन्शियस सेंटर हो। क्योंकि देखो ना, ब्रेन में फिर ऑक्सीजन जाती है, ब्लड जाता है, वो चीज़ें फिर नरिश करती हैं। तो हमारा स्पिरिचुअल सेंटर मरता है इस तरह के, जब हम किसी भी चीज़ पे, ये ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी अल्लाह से ही हो, कोई भी यकीन होना किसी भी चीज़ पे, सारे मज़ाहिब में जो है ना वो स्पिरिचुअल अपने स्पिरिचुअलिटी उनकी है। ये लोग क्या करते हैं, अपने आपको आइसोलेट करते हैं और किसी भी चीज़ की गलती की वजह से अपने आपको बड़ा नाकाबिले माफ़ी बना लेते हैं कि मुझसे हो कैसे गई, ये भी गलती है। या तो फिर ऐसे कि उनकी जो सराउंडिंग है, आप बड़ा कॉमन बात बताऊं, गरीब को इतना डिप्रेशन नहीं होता जितना आजकल के अमीरों को होता है। बिल्कुल पॉइंट। हाँ, आप बड़े बड़े घरों पे मैं जाता हूँ, जब उनके घरों में घुसता हूँ तो घर देखने लायक होते हैं, लेकिन उनके घर में जो लोगों का कंडीशन है, आप यकीन करें, वो कालम होता है कि हाँ। अबे मुझे एक कॉल भी लेनी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि गरीब के घर में डिप्रेशन हमेशा कम होगा क्योंकि वो हर हाल में खुश रहेगा। इज्जत है, बड़ी रेलेवेंट डिप्रेशन होता है, अपने नफ्स पे वो काबू रखते हैं, नफ्स पे काबू रखना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। वो उनका टाइम ही होता कि वो सोचे इधर उधर स्ट्रगलिंग। एग्जैक्टली, एक कॉल लेते हैं और फिर आपसे बसी बात करेंगे। नहीं, ड्रॉप कर देना, कोई बात नहीं, अब हम बस बहुत हो गया, हम लव पे बात कर रहे हैं और नाज़रीन को बड़ी देर से प्रॉमिस किया है। एंटी, लेकिन हाँ, बस एंटी डिप्रेसेंट भी आप लोग देते हैं ना, और एक्सरसाइज के जरिए भी आप डिप्रेशन पे काबू कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा था कि डिप्रेशन पे बात करें तो काफी लंबी बात है, किसी दवाई से नहीं होता, दवाइयों से कभी भी कोई बीमारी जो जाती है ना, उसकी इंटेंसिटी जाती है, उसका पेन जाता है, लेकिन फिर लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है कि आपने एंटी डिप्रेशन अगर 40-50 दिन खा ली तो कौन सी ऐसी जगह से अपने आपको जोड़ेंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो, कौन सी फिजिकल एक्सरसाइजेस आपको चाहिए, कौन सा सोशल सर्किल आपको चाहिए, किस तरह हम आपको डिजाइन करते हैं कि आपने घर को चेंज करें। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दो दो तीन तीन चार चार जेनिक्स खा के सोते हैं। एक कॉल लेनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आयशा कहाँ गायब थी? बस आप लोग कॉल ही नहीं लेते। अच्छा, फातिमा हमारी गलती है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसी के बारे में पूछना था। बिल्कुल पूछिए पूछिए। वो ना वैसे तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो छिपकली से इतना डरती है कि जोर जोर चीखें मारने लगती है उसको। सही डरती है। देखें, आपने कुछ किया अपनी बेटी का डर हटाने के लिए? डर उसे समझाती हूँ, लेकिन वो जो है ना मानती नहीं है। आपको डर लगता है छिपकली को देखती? नहीं, मुझे नहीं लगता। आयशा, आप छिपकली को उसको सामने प्यार करके देखा? आपने लफ्ज बोला था ना, कराहियत आती है लेकिन डर नहीं लगता है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तहरीम को तो बहुत डर लगता है। आपको लगता है तो उसको भी लगने लगा। ये कह रही है इनको नहीं लगता, इनको नहीं लगता, लेकिन उसको लगता है। चले, हम इसके बारे में मजीद भी करेंगे। आयशा, हमने काफी पूरी डिटेल में हमने बात की है। वोट्स मैंने जीते हैं सारे, क्योंकि सबको छिपकली से डर लगता है ज्यादा। हाँ, वो पर मैं तो हूँ यूनिक।
जी जी मैंने ना बेटे के बारे में पूछना, वो जिद्दी बहुत है, जिस चीज जिद पर अड़ जाता है ना, 12 साल उसकी एज है और ना बहुत ज्यादा जिद्दी है। अकलौता बेटा है आशा? नहीं मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। सबसे छोटा तो नहीं है कहीं? जी सबसे छोटे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कुछ चले थे ना सबसे कुछ चले हम लोग का बेटी एक ही है मेरी, बेटे माशाल्लाह 4 हैं। चलो ठीक है आशा, बहुत आशा हमारे पास टाइम कम है, हम लोग आप शो देखती रहे और प्लीज कॉल करते रहेगा, आई एम प्रॉमिसिंग वी विल पुट यू थ्रू। और ये जो कह रही थी स्टबर्न, वो तो इज अ नॉर्मल स्टबर्नेस की जब भी किताब में हमने पहली लाइन पढ़ी ना तो बहुत ही कन्फ्रंट करेगी इनको ये लाइन की, स्टबर्न बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो स्टबर्न माँ बाप की वजह से होते हैं, ठीक है ना, तो माँ बाप में भी कहीं स्टबर्नेस होती है बिल्कुल। और नंबर 2 ये कि बच्चों को स्टबर्नेस, आप आज वो इतना बड़ा हो गया अब आपको फील हो रहा है, शुरू से ही थेरेपी होती है, ठीक है ना, जब आप उसकी छोटी छोटी बातें मानते हैं, तो जब हम उसकी नाजायज़ बातें मानते हैं तो हम उसको सिग्नल देते हैं कि जब तुम हमसे जिद करोगे इवेंचुअली हम तो ये बात मानेंगे, तो रवैया हल्के 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 मोटा हो रहा होता है। एक टाइम पे फैमिली के पास जो है ना वो लवाजमात हो जाते हैं ख़त्म। अब बच्चा कह रहा है कि मुझे 25,000 रुपये का सामान अभी ला के दो, और आज से 5 साल पहले 2,500 रुपये का सामान आपने बड़े ईजीली दिला दिया था, तो उसका रवैया 25,000 में फ़र्क नहीं होगा, उसका रवैया स्ट्रॉन्ग होता है, उनको पता है कि मैं ज़िद करूँगा, मैं थोड़ा सा स्टबर्नेस शो कराऊँगा तो फैमिली ने आखिर में मान जाना है, वहाँ पर फैमिली बेचारी हार जाती है, बाजू का फाइनेंशली बाजू का तंग आ जाती है, हाँ, तो फिर उसको दोबारा से ना मैं रिवर्स प्रोसेस होता है कि उसकी ज़िदों को फिर नहीं मानने की थेरेपी करनी पड़ती है, और फिर उसको रेट को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल स्टैंड दिए जाते हैं बच्चे को मनाने। मेरा फिर लव का क्वेश्चन रह गया है, लेकिन हाँ। उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखें लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, हमारी यूथ इसी चक्कर में फंसी है, यूथ नहीं हर कोई, बस बाय द वे हम यूथ पे गलत डालते हैं, आपको नहीं पता कितने आजकल यूथ फिर भी समझदार है। जी जी यूथ बहुत समझदार है, वो अपनी मर्जी से मोहब्बत करती है। एनीवे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग सिर्फ डिप्रेशन के वो हैं या उनको नींद नहीं आती, सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदेह है, और हमारे सिस्टम में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाइयां देने का रिवाज कब खत्म होगा? देखिए अगर किसी डॉक्टर की हुकूमत आई तो शायद ख़त्म हो जाए, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इस इशू पे काम होता ही नहीं है ना पाकिस्तान में, तो आप देखिए मेडिकल स्टोर के पास आप जाएं, 18 साल का बच्चा भी कोई दवाई ख़रीद सकता है, और आजकल तो मेडिकल स्टोर वाले पक्के पक्के क्लाइंट बना लेते हैं कि इतनी दिन की गोली इनके पास जानी है या पेन किलर जाने, तो ये तो हमारा एक पूरी की पूरी लॉबी बन गई है, और डॉक्टर्स भी लिखने में कोई आसरा नहीं करते, नींद की गोली उठा के लिख देंगे, दो दो तीन तीन महीने फिर उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, फिर नींद नहीं आती, और आखिरकार होता ये कि आप गोलियां भी खाते रहते हैं नींद भी नहीं आती, और फोबिया, अच्छा वो याद आया कि फोबिक होने में सबसे बड़ा किरदार इन नींद की गोलियों का ही होता है। सही। ये चीज़ मैं लिख के दिमाग में लाया था, पेपर भी था लेकिन भूल गया था, याद आ गई, मैं बहुत काम की बात है कि फोबिया डेवलप हो जाता है, पैरानोया हो जाता है इंसान, पैरानोया इज द वर्ड जो मुझे काफी देर से मैं सोच रही हूँ क्या था वर्ड, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से तुम्हें याद आ रहा है? नहीं पैरानोया वैसे भी आपको वियर्ड किस्म की चीज़ें होती है, देखें जहाँ तक ये दिमागी वो है, जिस तरह उन्होंने कहा इतना वसी है ये सब्जेक्ट कि हमारा पूरा साल का चाय टाइम भी हम कर दें तो कम होगा लेकिन एक और चीज़, एक और चीज़ नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा कहना है प्लीज कि जैसे हम जैसे जो लोग हैं जिनको नींद मुश्किल से आती है, तो प्लीज डॉक्टर कुर्रे मुशी का एक टोटका है, मुश्क बाला लीजिए, ग्रीन टी लीजिए रात को पीजिए, उसके साथ मुश्क बाला थोड़ा सा खा लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, चबाइए, और ज़ाहिर मैंने अभी तक ये नहीं किया पर हमने करना है, हम करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, अब इश्क नहीं है आसा, क्यों ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? मोहब्बत करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत में इन्वॉल्व होके चीज़ों को सारी डायमेंशन को छोड़ के सिर्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है ना, या तो फिर आप, मैंने मोहब्बत करने वाले ऐसे भी देखे हैं जो कामयाब हैं, सही बात है, लड़का लड़की एक दूसरे को बना भी देते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखें तो लोग एक दूसरे की इज्जत की बचाने के लिए एक पीयर प्रेशर के लिए पढ़ भी जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में ये भी देखा गया है कि वो तमाम काम छोड़ के अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे रहते हैं, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, ये भी कर लिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे होते हैं, फिर वो एक आदत सी डेवलप हो जाती है, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, हम जिसको चाह रहे हैं, वो कोई इतनी गारंटेड चीज़ नहीं है कि आपको मिलना है, इंसान है, तो वो फिर आदत को तोड़ना, वो यहाँ पे मोहब्बत, मैं जिस एंगल से बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग वो करते हैं, आई सीन सो मेनी पीपल, खुद से भी इंसान के बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं जब मोहब्बत में धोखा होता है, तो वो इतना ज़्यादा हमारे स्पेशली हमारे लड़कियों को समझा जाता है, लड़के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन इश्यूज में, जो दिल दिमाग पे अंदर वो दरअसल उनके जितना बम ब्लास्ट होता है वो अंदर ही होता है ना, जॉब छोड़ देते हैं, ग्रीफ उनका बहुत लंबा होता है, इसकी कन्फ्रंटेशन क्या होती है लड़कियां, मतलब ये कहना चाहिए लड़कियों में फिर भी थोड़ा वो समझदार होती हैं, लेकिन पता क्या जो हमारे पास जो हमें पता चलता है ना ऑन एंड ऑफ सुनते हैं, लड़कियों को हल्का सा एक उनके बैक ऑफ द माइंड होता है कि ये हो सकता है, और थोड़ी सी रियलिस्टिक होती हैं,
सच्ची होता हूँ या उनको फैमिली की शुरू से प्रेशर होता है कि देखो वो लड़कियाँ, आप देखें वो लड़की की मेच्योरिटी थोड़ी बेहतर होती है, वो थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर रही होती है, लेकिन लड़का बड़ा डिनाइल में होता है, उसको लगता है कि बस ये ऐसे ही होता जाना है, और मेरे और ईगो भी प्ले करता है थोड़ा सा, माचो आपका जो वो होती है वो आपको उस पॉइंट पे ले जाता है कि आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, वो डिनाइल टूटता है ना उनका, फिर कि ये हो कैसे गया, फिर वो चक्कर में लग जाते हैं ऐसा हो नहीं सकता, फिर उनको लोग डॉक्टर वजह हमें इस पर पूरा शो करना पड़ेगा ना, यही मैं सोच रही थी कि लव प्रॉब्लम की अगर बात होगी तो उस पर हम पूरे 2-3-4 घंटे निकाल सकते हैं, मैं और ज़ाहिल अकेले भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बुलाएंगे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। फेसबुक पे हमारा पेज है चाय टाइम, ज्वाइन कीजिए, जो भी सवाल करना चाहते हैं आप हमें कर सकते हैं इनके हवाले से, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक जब भी आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट जिनको जो भी मसाइल हैं, खौफ हैं, फोबियाज हैं, प्लीज़ कंसल्ट करें साइकेट्रिस्ट से, और दवाइयाँ जो हैं अपनी मर्जी से प्लीज़ मत लीजिए, और गुरेज ही करें दवाइयाँ लेने से बेहतर है कि, एंड बेस्ट चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ बिफोर क्लोजिंग द शो इज फेस योर फियर्स, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग ओवर एनीथिंग, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए नाज़रीन, और देखते रहिए चाय टाइम और CNBC पाकिस्तान, जिस तरह हम शो ख़त्म करते हैं सनिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।